Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पूरा सपोर्ट मांगेराम जी को, मोहल्ला उनके साथ है जी, मांगेराम जी को सपोर्ट जी फुल। मांगेराम जी के साथ हम तो पक्के, पहले भी अरब के भी जी। मांगेराम जी को सपोर्ट करे, वाह सपोर्ट तो हमारा मांगेराम जी को ही रहेगा। मांगेराम जी को ही रहेगी सपोर्ट, मांगेराम जी के साथ हैं। और इस वक्त मैं मौजूद सिंदावली ब्लॉक के मुदाफरा गांव में। आपको बता दूं, प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मेरे साथ मांगेराम जी हैं। और सबसे बड़ी बात, आज सीट डिक्लेयर हो चुकी है तो बड़ी खुशी की बात है। 5 साल पीछे 10 साल पीछे गया हमारा गांव। वजह क्या रही? वजह यूँ रही, जो भी काम हमारे गाँव में कोई भी काम नहीं हुआ। गवर्नमेंट के यहाँ हमारा जो मुदाफरा है, ये नायब पंचायत है, नायब पंचायत को पैसा मिलता बहुत। हाँ जी, फिर जनसंख्या ज़्यादा है, 5.5-6 के करीब जनसंख्या, पैसा बहुत मिला है। पैसा का दुरुपयोग हुआ, पैसा लगा नहीं कहीं भी, दुरुपयोग करा गया, कहीं लग पाया। हाँ अच्छा जी, जैसा मान लो गवर्नमेंट ने शौचालय की, कोई शौचालय हमारे गांव में नहीं बने, लैट्रिन भी नहीं बनी हमारे गांव में। हाँ जी, 200 परिवार ऐसे हैं जिनको बेचारों को शौचालय नहीं है, लैट्रिन नहीं है। हाँ जी, और भी गाँव में जैसा मान लो कोई शौचालय हो गए हर गाँव में, कहीं बाजार में क्या 2-4 शौचालय, हाँ वे भी कोई शौचालय हमारे गाँव में नहीं है। रास्ते हमारे गांव में कोई रास्ता नहीं बना हुआ, रास्ते बने हुए हैं मायावती के टाइम के, उसके बाद कोई रास्ता नहीं बना। जो रास्ते पहले ही बने हैं, जो रास्ते अब बने हैं वे कागजों में बने हैं, मौके पर नहीं बने, कुछ नहीं है जी, कागजों में चढ़ाया गया, मौके पर कुछ भी नहीं है। शमशान घाट की स्थिति इस तरीके की है जी, हमारे यहाँ शमशान घाट है, हमारे यहाँ तीन शमशान घाटों में, उसके बाद हमने ITI भी लगाई ही, एक शमशान घाट के 3,82,000 रुपये निकाल रखे। मौके पे जो काम है 80,000 रुपये का है, सारे तीनों शमशानों में, एक शमशान के 3,80,000 रुपये, एक शमशान के 3,92,000 रुपये हैं। उनकी बाउंड्री दिखा रखी, मौके पे ना कोई बाउंड्री है ना कोई काम है, उसमें काम 80,000 रुपये कुल सारा ही है। उसकी जांच हुई, जांच होकर अधिकारी पैसे खा कर बैठ गए, नहीं कोई फायदा नहीं मिला, नहीं मिल पाई वे राहत, नहीं मिल पाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जवाब नहीं मिल पाया। उसमें जुर्माना कर दिया 32,000 रुपये का प्रधान जी में, जुर्माना भर दिया, बात खत्म। हमारी पहली जो है जी, सबसे पहले तो जो कच्चे मकान है हमारे यहाँ, आज भी पिन्नी डालकर रह रहे हैं, बहुत परिवार पिन्नी डालकर रह रहे हैं, और उनके कच्चे मकान हैं, छत उनके कड़ी टूट रही हैं, बेचारों कड़ियों नीचे कड़ी खड़ी हैं। हम तो विकास के लड़ रहे हैं, घर के लोन नहीं लड़ रहे, हमें एक रुपया नहीं चाहिए, विकास चाहिए। पानी के रास्ते हैं, तालाब रुके हुए हैं पानी के रास्ते, उससे बहुत बड़ी समस्या है लोगों को, वो पानी का रास्ता होना चाहिए, निकासी निकालने का कोई साधन नहीं पानी की निकासी का। उनका हक उन्हें मिलना चाहिए, जो इस लायक है उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। हाँ जी, और शमशान घाट वगैरह जो आप बता रहे हो, भी काम होगा, उन पर भी काम होगा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्राइमरी पाठशाला की हालत किस तरीके की? अब तक सुधार है, अब सुधार है। अच्छा, हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, बागड़पुर में कब्रिस्तान है, एक नल भी नहीं है कुल्ला करने के लिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वे आदमी मिट्टी उट्टी देगा कुल्ला कर रहा है, हाथ वाथ धोया है, एक नल भी नहीं है वहाँ। और बागड़पुर के अंदर और मुदाफरे के अंदर ऐसे घर हैं जो बिजली ना आवे तो पानी नहीं मिलने का। अब चलो मेरे साथ, जो नल प्रधान से कभी नल लगवा दो यहाँ, उनको नल नहीं आ रही जी जी, आप मेरे साथ चलो जी, मौके पर दिखाऊँगा आपको, मौके पर दिखाऊँगा, मेरे साथ चलो। ये स्थिति है भैया नहीं है मुदाफरे बागड़पुर की, मुदाफरे में कच्चे मकान हैं, बागड़पुर में कच्चे मकान भी नहीं है कुछ, पिन्नी डाल रखी है, पिन्नी डाल कर टाइम काट रहे हैं। और लोगों ने कि प्रधान जी हमारे लैट्रिन बनवा दो, उनके खड्डे भी खुदवा दिए गए, खड्डे खुदवाने के जब उनके बच्चे गिरे उसमें, पशु गिरे, तो उन्होंने दोबारा भर दिए। सारी चीज़ों पर काम होगा जी, हमें पैसा नहीं चाहिए कमाने के लिए, और लड़ेंगे 5 साल 5 साल के बाद दोबारा आएंगे भी नहीं, मीडिया पर कह रहे हैं। ये आपने हाँ जी फैसला पहले कर लिया। हाँ जी, मुझे मौका दो, एक बार मौका दो सेवा का, जिसका जो हक उसको मिलेगा, जो पात्र है उसको मिलेगा। इस बार बदलाव आएगा अगर मांगेराम जी को यहाँ से जीत मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होनी है। कहने के लिए 5,500 वाला आबादी का ये गांव है, मगर काफ़ी सारी चीज़ें आई जरूर, यहाँ पर रास्ते भी ठीक ठाक नहीं है, झोड़ तालाब को लेकर भी समस्या, शमशान घाट को लेकर भी समस्या है, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर भी समस्या, अनेकों समस्याएँ यहाँ पर हैं, और उन्हीं पर इन्हें काम करवाना है। और सबसे बड़ी बात इनका कहना ये भी है कि 5 साल से अगर जनता मुझे एक बार मौका दे, दोबारा मैं चुनाव यहाँ से नहीं लड़ूँगा, सिर्फ 5 साल के लिए जनता सेवा का मौका दे। सेवा करेंगे,
बाकी और कुछ नहीं करेंगे, जो जिस लायक उसको उसका हक मिलेगा काम करेंगे, काम करने के लिए आ रहे हैं बहन भाई सभी माता पिता से कह रहे हैं एक बार मौका दो। तो जो पिताजी सपने हैं वो पूरे करने के लिए हम तैयार हैं, जो भी गांव में जो विकास रुका हुआ है जी। उसको अपने तरीके से जैसे भी हैं उस तरीके पूर्ण रूप से करवाएंगे और विकास को ऊंचे स्तर पर लेके चलेंगे। यानी गांव वालों से बस यही अपील करना चाहोगे ज्यादा से वोट देकर हाँ जी एक बार सेवा करने का जरूर एक बार हमें सेवा करने का मौका दें जी हमारे पिताजी को, तो हम सारे परिवार गांव की सेवा में लग जाएंगे। मांगेराम को सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो लगता है कि विकास हो पाएगा? हाँ जी खूब चीजें आपके तो बागल नहीं हो पाएगी। हाँ जी खूब होगा। ये मुदाफरा गांव का ही छोटा गांव है जिसे गांव की भाषा में गांव का माजरा कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिखा दूं कि जिसे देखने के बाद वाकई में आके नम हो जाए। तो कुछ इस तरीके की स्थिति जिस घर में मैं खड़ा हूँ, कहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ी संख्या में आई। तो यहाँ पर एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि पूरा कैमरा घुमाकर दिखाएं किस तरीके के घर में रहना पड़ रहा है। आवास की योजना है, जरूर लाभ क्यों नहीं मिल पाया, लाभ नहीं दिया गया और आप देखें कितनी एक दुर्दशा में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है इस परिवार को। कहने के बावजूद प्रधान जी से उन्होंने ये कह दिया कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। ज़्यादा बात करने के लिए नवल सिंह मेरे साथ में जी। हमने शासन और प्रशासन से सभी से रिक्वेस्ट की कि देखो हमारा कच्चा मकान है, बरसात में हम यहाँ पानी जो अंदर पहुँच जाता है उसे बार बार बाहर फेंकते रहते हैं, और उन्होंने बस आश्वासन हमें यही दिया कि जब भी कोई योजना आएगी आपका मकान बनवा दिया जाएगा। हम उनसे उम्मीद ये रखते हैं कि वे हमारा मकान या हमारे और काम भी कराएंगे। वो उन पर भरोसा है? भरोसा है हमें। तो दरवाजा पक्का हो गया तो आपका घर नहीं बनेगा? ना बनने का ये कहा? हाँ यही कहा उनका, पक्का होगा इससे, इसकी वजह से बनेगा नहीं तुम्हारा घर। नहीं कुछ नहीं हमारे घर में तो शौचालय भी आपका नहीं बनवाया? नहीं, जो कह दी पैसे आ गए, पैसे नहीं आए एक भी, हम सबकी लैटरिन बन गई, हमारे तो कुछ भी नहीं बना। कैसे इस बार मांगेराम जी भी चुनाव लड़े हैं तो उनसे तो आपको उम्मीदें हैं? हाँ उम्मीद तो पक्की है जी हमें, तो लगता है कि वो काम करवाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, हमें तो पक्की उम्मीद है और पक्की लगती है बनवाएंगे। तो मांगेराम जी पे आपका पूरा भरोसा है इस बार? हाँ मोहल्ला उनके साथ है जी, मांगेराम के। अच्छा जिता रहे? किसे? मांगेराम को जी। उनके साथ समर्थन है पूरा? पूरा सपोर्ट कर रहे हो इस बार? हाँ। दिखा दूं आपको क्या नहीं हो पाए, ये भी आप देखिए, घर से लेके यहाँ पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। यानी इनके घर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं, बाहर आएंगे तो बाहर यहाँ पर कोई हैंडपंप की व्यवस्था नहीं, एक बूंद नहीं निकला आज तक भी, एक बूंद पानी नहीं निकला नहीं। तो पानी की दिक्कत तो बहुत होती बहुत होगी, परेशानी है, क्या करें? कभी प्रधान जी से कहते थे आप? प्रधान जी कहे, प्रधान जी से भी क्या क्या कहते थे? करवाओगे? करवाएंगे। आश्वासन। इस बार किसे सपोर्ट कर रहे हो? मांगेराम को। अच्छा इस बार उन पर उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जो काम रुके हुए हैं वो काम करेंगे सारे। प्रधान जी के पास जाते थे? हाँ जी। क्या कहते थे? दुर्गा जी तुम्हारा नंबर नहीं है। कितनी लगभग कितनी बार आप गए उनके पास? मैं गया हूँ 3-4 बार। कभी खुद भी आगे देखा प्रधान जी ने की स्थिति घर की क्या है? आगे ही ना देखा हमने, आगे भी नहीं देखा। हाँ जी। तो इस बार आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, किस पर ज्यादा उम्मीदें हैं कि जो एक घर के काम आपके करवा सके? जी हमारे ये मांगेराम से करवा जी, मांगेराम जी से उम्मीदें काफी हैं। जी। और कुछ गांव के लोगों से भी जान लेते हैं कि इस बार उनका मूड किसकी तरफ है, क्या उनका मूड बदल रहा है और किसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। 1 महीने का समय बाकी रह गया और यही जनता फैसला कर देगी कि यहां का इस बार प्रधान कौन। मांगेराम जी को सपोर्ट जी, फुल सपोर्ट है, पूरा समर्थन जी। बागलपुर में बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव तब आएगा जब मांगेराम जी हमारे गांव के प्रधान बन जाएंगे। मांगेराम जी को कर रहे हो? हाँ पूरी उम्मीद है जी, हमें तो पहले भी है अब के भी जी। तो इस बार मांगेराम जी पूरा पक्का, मांगेराम जी के साथ हम तो पक्के, पहले भी है अब के भी, पहले भी थे और इस बार। हाँ जी जी जी, मांगेराम जी को सपोर्ट करें जी। वाह सपोर्ट तो हमारा मांगेराम जी को ही रहेगा अब भी और पहले भी, मांगेराम जी को रहेगी सपोर्ट पूरे। तो इस बार पूरा दिल खोल कर सपोर्ट कर? हाँ जी फुल, पहले से भी और अब से अब भी मांगेराम जी के साथ हैं जी। पहले सपोर्ट हमारी मांगे सर को थी, अब भी, और इन्होंने पहले भी हमसे काम के लिए बोला था पर क्या करें दूसरे गांव से नहीं हो पाई है, हमारे गांव से फुल सपोर्ट थी। हम प्रधान मांगे सिंह जो हूँ, हम तो नहीं चाह रहे अल्लाह का, बिना अल्लाह का देखो कुछ नहीं होता, पर जो सपोर्ट जो ज़्यादातर अपनी भी अपने भैयान की भी ज़्यादातर इनके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि ये दो जगह है, ये बागलपुर है और ये किसी का गांव मदारपुरा है, तो ये देखिए आप बदलाव इसकी चाहती है जनता, जनता खुद यहाँ पर कह रही है
कि इस बार हम मांगेराम जी को चाहते हैं। वजह क्या है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं साथ साथ के पहले भी हम समर्थन उनका करते रहे और इस बार भी उन्हीं को समर्थन हम कर रहे हैं।